बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआओं से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। हमारे देखने वाले जहाँ रहें, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, इसी नेक दुआ के साथ आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दरअसल इस बार ना लहसुन लगाने के लिए ना मैं बहुत लेट हो गई थी, तो ये मैं लहसुन वगैरह मैंने इनसे उतरवाया था, तो मैं उसको छीलने लगी थी लगाने के लिए। और इधर मैंने कपड़ों का काम भी छोड़ रखा है, कपड़े भी बहुत हो गए धोने के लिए ना। तो ये देखिए, इधर लहसुन मैंने कहा पहले ये लगाती हूँ, फिर बीच में थोड़ा सा मशीन में धुलते रहेंगे कपड़े, फिर बाकी आकर देखती हूँ। ये देखे, तो यहाँ देखें साग के लिए जगह बना रहे हैं ना। लेट नहीं होगा साग इन जगह बनाने लगे हूं तो साग उग जांदा। सही, यहां पर पहले लगा हुआ है लहसुन और बाकी अभी लगाने को पिछोता बनाना है, लास्ट में बनाया करना। तो ये यहां पर साग वगैरह लगाना है यहां ना। अब फिर गठे लाने ना, फिर पट नहीं देना तुसी ये दोबारा गठे लाते किथे नहीं, पहले तो पनीर ही लगनी गठिया दी, फिर एक गब्बे डोली गा बनाई दे। क्या रूम में भी ये तो पहले दी बनी भी डोल धनिया लाना किथे ये लगे हुआ धनिया और ये मैं पराली भी ले आई थी पहले ही, ताकि लहसुन लगाने के बाद पराली बिछा दूंगी। पराली बिछाने से ना दरअसल घास जल्दी नहीं आता, तो थोड़ा सा सेफ सा रहता है, नहीं जैसे लहसुन लगाएंगे वैसे ही उतनी जल्दी साग निकल आएगा। घास पर साग नहीं, सॉरी घास आ जाएगा, तो घास जल्दी नहीं आएगा ना। जैसे मैं पराली ऊपर बिछा दूँगी तो घास लेट आएगा इसमें। और इधर देखें पानी भी लग रहा है साथ ही साथ, और दूसरे साइड कुछ लगा दिया था और थोड़ा कुछ लगाने को रह गया था। और ये मैं घर से छील कर लेकर आई थी, ताकि वहाँ पर जाकर ज़्यादा दिक्कत ना हो, फटाफट लग जाए। इस बार ना ज़्यादा लेट होगी, पहले तो सोचा था शादी जाने से पहले लगा दूँगी, दरअसल कुछ मोटर ख़राब वगैरह हो गई थी, तो कहते पानी भी साथ में लगाना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने चल बाद में लगा लूँगी, पहले शादी का काम ख़त्म कर लें, उसके बाद ये काम होते रहेंगे। और इन दो खत्तियों में लगाने से पहले मैल वगैरह गिर दी थी, तो मैंने तो लगाने के बाद गिरी थी। ताकि दरअसल फिर जैसे हम बिछा देंगे ना ऊपर पराली, फिर बाद में जल्दी से नहीं डालें, जब हम इसको उठाएंगे उसके बाद एक बार फिर मैल वगैरह गेर देंगे, तो उससे पहले पहले थोड़ा सा मिक्स पहले कर देनी, उसके बाद बाकी बाद में देखेंगे, थोड़ी सी फिर मिक्स करेंगे एक बार। तो ये मैंने ऊपर ऊपर ही छिड़का रही हूँ इसके ऊपर ऊपर, ऐसे अगर मिक्स की तो इसमें तो मैंने लहसुन लगा दी, दूसरी में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी, मगर इसमें है ना अभी लहसुन लगा हुआ है, तो ये ऊपर ऊपर ही गिरानी पड़ेगी ऐसी।
और अम्मी ना पीछे लहसुन छिल रही है, दरअसल ये दूसरे क्यारे में लगना है ना, तो फिर बाद में मैंने अपनी लगा कर फटाफट से वो वाला लगवा दिया था। मेरा भी लगवाए थे देखिए, ये मेरे बिशाबी थी। दरअसल फोन ले गए थे घर पर और ये वीडियो नहीं बना पाई मेरी बिशाबी की, बीच में स्किप हो गई है, तो दूसरे खेत में दूसरी खत्तियों में भी लगा दिया था। और यहाँ पर पराली वगैरह बिछाकर अपना काम फिनिश करके बस अब घर के काम, कपड़े भी धोने को पड़े, उसके बाद भैंसों का काम, जैसे आप मेरी पहली वीडियो देखी होंगी तो सभी काम अब शाम वाले स्टार्ट हो जाने हैं। तो यहाँ देखिए ये ना बरसीन बिजी हुई थी भैंसों के लिए चारा, ये तो अच्छी होगी है, तो मेरे वाला तो थोड़ा सा अभी निकल रही है खेत में, मैं उसमें भी लेट हो गई थी। ये देखिए ये ना मूलियाँ लगा रखी हैं, और देखें हरियाली कितनी प्यारी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है ना ये। और इधर पानी भी इसके लिए छोड़ दिया है, तो ना ये मूलियों के बीच समरीन ने लगाए हुए थे। और यहाँ पर जो दरअसल पानी चलता है शाम को, तो मैं फिर जो कपड़े वगैरह रह गए थे ना जो पहले उठा लिए थे, और कुछ जो बाद में दूसरी साइड धुल कर फिर सूखने वगैरह डालने हैं वो वाले लगी थी धोने। और उसके बाद दरअसल मंगवाया तो मैंने, ईजी था, ईजी है नहीं, इसलिए फिर शैम्पू मंगा कर जो नए नए कपड़े हैं ना ये सारे कपड़े हाथ से धोने पड़े, ताकि एक दूसरे का रंग एक दूसरे के कपड़े पर ना चढ़ जाए ना, तो इनको एक एक करके सूट को धोना पड़ा। दरअसल रंग काफ़ी उतर रहा था, और सुखाए मैंने मशीन में ही धोकर, क्योंकि आजकल दरअसल धूप अच्छी नहीं ना निकल रही, तो थोड़ी सी हवा लग जाएगी तो सूख जाएंगे ये भी, अगर ऐसे डालती तो सूखने नहीं थे, ये मशीन में सुखा कर फिर डाल दिए थे मैंने, और हाथ से धोए थे ये सारे कपड़े। और अभी कुछ और धोने के लिए पड़े हुए हैं, कुछ धो दिए हैं, कुछ धोकर उठा लिए हैं, कपड़े तो पूछे ना, शादी के बाद इतने कपड़े हो गए थे ना धोने के लिए, ये देखें ये अभी भिगोए हुए हैं। और ये देखिए इसका ना, इस सलवार का कितना रंग उतरा, कपड़ों का ना जो सूट वगैरह थे बहुत रंग उतर रहा था, इसलिए मैंने अलग अलग धोए वो सभी। तो रात को हमने बनाई थी आलू बड़ियों की सब्जी, फटाफट से बनाकर, काम बहुत थे और ये वाला बीच में से स्किप हो गया, तो फटाफट से बना के मैंने तो खाने वाला काम किया कि जल्दी जल्दी फिर सो जाएं। सारा दिन काम करने के बाद रात को थक जाती हूँ ना, दुआओं में याद रखना, अल्लाह हाफिज़।